सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डिस्कस करने वाले हैं हम लोग रेलवे साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के सीजन में हम लोगों ने रेलवे साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का दूसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण अपडेटेड क्वेश्चन की चर्चा करा था। दोस्तों आज के इस सीजन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा कर रहे होंगे, जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सीजन का जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सीजन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सीजन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ ए टू बी बनाते हैं। कहा जा रहा है कि जो अभिक्रिया है वो आपका कुछ इस तरीके का है कि 2A बी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ए टू बी बना रहा है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन में से इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। ये जो मेरे मित्र यहां पे अभिक्रिया आपको दी गई है, इस अभिक्रिया के संदर्भ में जो चार स्टेटमेंट हैं, इस चारों में से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। आपका पहला स्टेटमेंट है कि उत्पाद ए बी पदार्थ ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करता है। दूसरा ऑप्शन है कि उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा। तीसरा है कि सर इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। और चौथा है आपका कि इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा सर इस रिएक्शन के संदर्भ में सही नहीं है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो अभिक्रिया हो रही है, यहां पे जो रिएक्शन हो रही है, तो उसमें हम सभी ये देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी, तो हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये ए भी तत्व है और बी भी हमारा तत्व है। यानी कि हम इस अभिक्रिया को देख करके ये पता लगा पा रहे हैं कि यहां पे दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके, आपस में संयोग करके क्या बना रहा है सर? एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। यानी कि ए टू बी क्या है? आप सभी कहते हैं गुरुजी ये यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हम लोग कहते भी है, क्या कहते हैं कि सर जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके, या फिर जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या करता है सर? एक नया पदार्थ बनाता है जो कि क्या होता है? यौगिक कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जो यौगिक होते हैं, जो यौगिक होते हैं उसका गुण उसके अवयवी तत्व के गुण से बिल्कुल ही भिन्न होता है। क्योंकि ये आप सभी ने पढ़ा है कि अगर ए और बी अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके ए टू बी बना रहा है, तो यहां पे ए टू बी की जो प्रॉपर्टीज होगी वो ए और बी से क्या होगी? बिल्कुल ही भिन्न होगी। और जब भी यौगिक बनेगा तो उसके जो अवयवी तत्व होंगे वो क्या होंगे? तो आप कहेंगे निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार वो हमेशा एक निश्चित संगठन में होंगे। जैसे मेरे मित्र आप सभी दाल रोटी चावल खाते हो, बिल्कुल खाते हैं सर, और आपके पाचन तंत्र में जाने के बाद वो दाल रोटी चावल क्या होता है? तो सर पच जाता है। तो पचने के बाद क्या दाल रोटी चावल की प्रॉपर्टीज वही रहती है जो पहले थी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो सेम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो पदार्थ भाग लेते हैं तो अभिक्रिया के उपरांत जो नया पदार्थ बनता है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जो बना उसको बनाने वाले जो पदार्थ होते हैं उससे बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। और यौगिक जब भी बनेगा चिल्ला तो उसके जो अवयवी तत्व होंगे वो हमेशा क्या होंगे सर? एक निश्चित अनुपात में होंगे। तो यहां पे अभिक्रिया से आप ये इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं सर? ला रहे हैं। अब आइए स्टेटमेंट पे। कह रहा है कि उत्पाद ए बी पदार्थ ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करता है। आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। उत्पाद ए बी जो है वो कभी भी ए और बी के गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि उत्पाद ए बी एक यौगिक है और इसका प्रॉपर्टी जिसके अभिव्यक्ति तत्व से हमेशा क्या होता है? आप कहेंगे अलग होता है, यानी कि भिन्न होता है। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा। बिल्कुल सही है। कोई भी कंपाउंड होगा सर उसमें जो उसके अवयवी तत्व होंगे वो भार के विचार से हमेशा क्या होंगे? एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे कि अगर हम लोग H2O की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें हमेशा क्या होता है? आप कहते हैं 1:8 के रेशियो में होता है। क्या होता है? 1:8 के रेशियो में होता है। और इसी तरह से जितने भी और यौगिक हैं वे सभी के सभी अपने अवयवी तत्वों के भार के विचार से हमेशा क्या होते हैं? आप कहेंगे एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है।
अब तीसरा है कि इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो मेरे मित्र फिर इसको किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? मिश्रण के रूप में करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर जब भी मिश्रण बनेगा तो वहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, जबकि सिंबॉल क्या दर्शा रहा है कि सर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो आप कहेंगे गुरु जी ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और चौथा स्टेटमेंट है कि इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये भी बात गलत है, क्योंकि जब भी दो तत्व आपस में जुड़ेंगे तो वो यौगिक का निर्माण करेगा, तत्व का निर्माण नहीं करेगा। तो आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा था? आपसे पूछा जा रहा था कि जो अभिक्रिया है उसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर स्टेटमेंट वन सही नहीं है, उसके बाद स्टेटमेंट टू आपका सही है, स्टेटमेंट थ्री आपका सही नहीं है, और फिर आपका स्टेटमेंट फोर सही नहीं है। तो मेरे भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज एक तीन और चार हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि यहां पे जो अभिक्रिया के सिंबल के सहारे आपको डिनोशन दिया जा रहा है कि ये इस तरह की अभिक्रिया हो रही है, तो अगर आपसे कोई ये कह ले कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है तब आप क्या कहेंगे? तो आप सभी याद रखिएगा कि इसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल प्रतिफल बना रहे हैं। दो अभिकारक, दो रिएक्टेंट मिलकर के क्या कर रहे हैं? एकल प्रतिफल बना रहे हैं, और इसीलिए किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? आप कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया होगा। और हमेशा याद रखिएगा ये चीज, क्या कि संयोजन अभिक्रिया के लिए जो सिंबल होगा, यानी कि आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा उसके लिए जो सिंबल होगा वो क्या होगा? आप सभी कहेंगे ए प्लस बी, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा सर? सी। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल प्रतिफल बन रहा है आप कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया होगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन के मर्म को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है? 2 मोल जल, 20 मोल जल, जल के 6.022 × 10²³ अणु, जल के 1.2044 × 10²² अणु। आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित कर रहा है। मतलब सीधे सीधे जल का दिया गया द्रव्यमान 360 ग्राम है, और आपको यह बताना है कि यह जो दिया गया द्रव्यमान है यह जल का 2 मोल होगा, या फिर जल का 20 मोल होगा, या फिर जल के इसमें टोटल 6.022 × 10²³ अणु होंगे, या फिर जल के सर 1.2044 × 10²² अणु होंगे। क्या कहोगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बात की जा रही है H2O की। किसकी बात की जा रही है? H2O की। और हम सबों को मालूम है कि H2O का जो आणविक भार होता है, H2O का जो आणविक भार होता है वो कितना होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी अगर ग्राम लगा दिया तो 18 ग्राम, और अगर यूनिट में लिख दिए तो 18 AMU या 18 U। अब मेरे मित्र आप सभी को यह मालूम है कि अगर हम आपसे यह सवाल कर देंगे कि यह बताओ चिला कि 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो H2O लिखे हैं ये कहीं ना कहीं H2O के 1 मोल को दर्शा रहा है। और किसी भी तत्व का 1 मोल उसका परमाणु द्रव्यमान होता है, और किसी यौगिक का 1 मोल द्रव्यमान सर उस यौगिक का अणुभार होता है या आणविक भार होता है। जल का आणविक भार कितना है? आप कहेंगे सर 18 ग्राम। तो मेरे मित्र यहां पे आप सबों को मालूम है कि 1 मोल H2O कितना होता है? 18 ग्राम होता है। 1 मोल H2O कितना? 18 ग्राम। तो आप यह भी तो कह सकते हो सर 18 ग्राम जो है जल वो कितना होगा? 1 मोल होगा। 18 ग्राम जल कितना होगा? 1 मोल होगा। तो मेरे मित्र यहां पे आपसे यह पूछा जा रहा है कि 360 ग्राम जल को कितने मोल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब 1 मोल इक्वल टू 18 ग्राम कह रहे हैं तो इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि 18 ग्राम जल इक्वल टू सर जल का 1 मोल, जल का 1 मोल। अब भाई मेरे आप सभी 1 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे आप क्या कहिएगा? कि गुरुजी 1/18 होगा। और यह बता दीजिए कि 360 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे? आप कहेंगे 1/18 गुना सर 360 हो जाएगा, 18 × 36 होता है, यानी कि सर 360 ग्राम जो जल होगा वो कितना के बराबर होगा? आप कहेंगे 20 मोल के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 20 मोल के। तो भाई मेरे स्टेटमेंट टू को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। अब आपको यह भी पता करना है कि सर इस 360 ग्राम जल में जल के कितने अणु हैं। तो भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि कोई भी
पदार्थ हो उसके एक मोल में जो सर परमाणु या अणुओं की संख्या होगी वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। और एवोगैड्रोस नंबर आप सभी कहते हैं गुरुजी 6.022 × 10²³ होता है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां पे चूंकि एक मोल जल जो है वो हमारा 18 ग्राम हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक मोल जल में अणु की जो संख्या होगी, एक मोल जल में चला अणु की जो संख्या होगी, याद रखिएगा ये जल क्या है, आप कहेंगे यौगिक, इसीलिए अणु की बात कर रहे हैं। अब ये अपने मन समझ समझिएगा कि गुरुजी स्टैंडर्ड बनाने के लिए बोल रहे हैं, तब तो रहता तो परमाणु की बात करते, यौगिक है तो अणु की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु और तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। तो एक मोल जल में अणु की संख्या आप कहेंगे 6.022 × 10²³ अणु। एक मोल में कितना, आप कहेगा 6.022 × 10²। अब मेरे मित्र टोटल जल का कितना मोल है, आप कहेंगे 20 मोल। तो आप सभी क्या कहिएगा कि भैया भैया ये जो 20 मोल जल है इसमें अणुओं की संख्या 20 मोल जल में अणु की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी। आप सभी कहेंगे एक मोल में इतना है तो 20 को गुना कर देंगे। तो मेरे भाई 20 × 6.022 × 10²³। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा सर 1.20 × 10²25 के अप्रोक्स आ जाएगा। तो आप इसको गुना कर लीजिएगा मेरे मित्र, वैल्यू आपका इतना ही आने वाला है। तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर 4 को लॉक कर दिया जाए। हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है, तो सही रूप में 20 मोल और सर जल के 1.20 × 10²25 अणु क्या हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं। तो सही आंसर 2 और 4 होगा। कहां है सर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा उससे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कोई भी छात्र आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साइंस को चाहते हैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करें, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे सर RRB साइंस स्पेशल लाइव फाउंडेशन बैच में और साथ ही साथ LPN टेक्नीशियन कॉम्बो रिकॉर्डेड बैच में। ध्यान में रखिएगा बहुत सारे छात्र प्रिफेयर करते हैं कि गुरुजी हमें रिकॉर्डेड पढ़ना है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड पढ़ना है तो मेरे मित्र आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अगर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड पढ़ना है तो मेरे मित्र आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि सभी चीजें आपको अकॉर्डिंग टू NCERT कराई जाएगी और अकॉर्डिंग टू सिलेबस कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सर हम आपको PYQ के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, नहीं, जो कुछ भी होगा वो सब के सब अकॉर्डिंग टू NCERT होगी। थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों में मिलेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, लाइव पढ़ना चाह रहे हैं या एक ही बार कंप्लीट रिकॉर्डेड सारे लेक्चर अपने पास रखना चाह रहे हैं। ध्यान में रखिएगा ज्यादा जानकारी के लिए यहां पे दिया गया नंबर, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। बहरहाल जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है कि यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। दूसरा है कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया। तीसरा है कि धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। और चौथा है कि परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या होगा इसका आंसर मेरे मित्र? यहां पे बात किसकी की जा रही है? थॉमसन के परमाणु मॉडल की जा रही है। और आप सबों को मालूम है कि जो परमाणु के बारे में आज हम लोग बड़े ही आसानी से कह देते हैं कि गुरुजी कोई भी परमाणु गोलीय होता है, बिल्कुल होता है, इसके बीच में नाभिक होता है, बिल्कुल होता है, इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होता है जिसको कक्षा कहते हैं, बिल्कुल होता है। लेकिन मेरे मित्र ये जो परमाणु की संरचना हमने आसानी से बना दिया या आप आसानी से बना देते हो, तो सर इसके पीछे एक वैज्ञानिक का हाथ नहीं रहा। परमाणु को समझने के लिए सर कई वैज्ञानिक का जीवन खत्म हो गया और मेरे मित्र तब जाकर के ये फाइनलाइज हुआ कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये क्या है, परमाणु की संरचना है। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि डाल्टन साहब ने सबसे पहले यह बताया कि कोई भी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसको किसी और भाग में विभाजित नहीं किया जा सकता है और यही सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। लेकिन मेरे मित्र डाल्टन साहब जब इस बात को लेकर के आगे बढ़े और जब उन्होंने स्थिर अनुपात के नियम और फिर जो आपका द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के नियम है इन सभी चीजों की पुष्टि करना शुरू किया, तो उसके बाद भी वैज्ञानिकों के मन में ये क्यूरियोसिटी थी कि जब परमाणु जो है ये विभाजित नहीं हो सकता है तो आखिर किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है या किसी भी परमाणु की जो संख्या होती है वो क्या होती है।
वैज्ञानिक लगे अपना दिमाग लगाने। और मेरे मित्र इसी क्रम में सबसे पहले जे.जे. थॉमसन साहब आए और इन्होंने क्या करा, तो सर इन्होंने परमाणु के मॉडल से अवगत कराया लोगों को, क्योंकि जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की भी खोज करी थी और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही केमिस्ट्री में वो रहा सर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज। तो जब परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि ये जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं, इस बात का पता वैज्ञानिक को चल गया तो वैज्ञानिक के मन में इस बात की क्यूरियोसिटी जगी कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर रहते कैसे हैं। और मेरे मित्र इसी चीज को एक्सप्लेन करने के चक्कर में सबसे पहले आगे कौन आए, जे.जे. थॉमसन, और उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। भाई क्या था थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में यह बताया, कि जो परमाणु है वो धन आवेश का एक गोला होता है। परमाणु क्या है, धनावेशित गोला है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो सर इलेक्ट्रॉन इंबेडेड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए रहते हैं। और साथ में इन्होंने बताया कि जो परमाणु है, चूंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं और दोनों पे चार्ज समान होता है, तो उन्होंने बताया कि परमाणु उदासीन होते हैं और परमाणु को उदासीन करने के लिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से धसे हुए रहते हैं। और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को हम लोग रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। मेरे मित्र इसी मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। यानी कि तरबूज मॉडल भी कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं, रेजिन पुडिंग मॉडल का क्या मतलब हुआ, तो मेरे मित्र थॉमसन साहब ने क्रिसमस के केक के बारे में बताया कि जिस तरह क्रिसमस के केक में सूखे मेवे सर धसे हुए रहते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के धनावेशित गोला में धसे हुए रहते हैं। और इसकी तुलना उन्होंने किससे की सर, उस केक से की, और इसीलिए इसको उन्होंने क्या बोला, रेजिन पुडिंग मॉडल बोला। साथ में मेरे मित्र इन्होंने इसकी तुलना वाटरमेलन से भी की कि वाटरमेलन का पूरा लाल भाग खाने वाला होता है, तो कोई भी परमाणु होगा तो वो तरबूज का लाल भाग वाला भाग धनावेशित होगा और जो बीज है उसमें धंसा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन की तरह होगा। मेरे मित्र चूंकि जब थॉमसन अपना एटॉमिक मॉडल बता रहे थे तो उस वक्त परमाणु नाभिक के बारे में जानकारी किसी को भी नहीं थी, तो थॉमसन साहब का भी यह मानना था कि किसी भी परमाणु में जो उसका द्रव्यमान होता है वह उसके संपूर्ण सतह में फैला होता है। तो जब थॉमसन साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, इस तरह से लोगों को बताया, तो उससे निष्कर्ष यही निकला या थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से यही पता चला कि परमाणु में द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। परमाणु क्या है, धनावेश का गोला, और मेरे मित्र जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें धसे होते हैं। तो पहला सा थोड़ा सा आप यहां पे थॉमसन के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं और कभी भी रिविजन करेंगे तो मेरे मित्र चीजें फिर गड़बड़ा जाएगी। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में जो मुख्य बातें आपको ध्यान में रखनी है वो मुख्य बातें क्या है, तो आप सभी पहला बात यह ध्यान में रखेंगे कि थॉमसन ने क्या कहा, थॉमसन ने कहा कि परमाणु धनावेश का गोला है। परमाणु क्या है, धनावेश का गोला है। और साथ ही इन्होंने क्या बताया कि सर इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे, आप सभी यह ध्यान देंगे कि परमाणु के उदासीन होने की सर्वप्रथम जानकारी थॉमसन के मॉडल से ही मिली। यह बात भी आप सभी कहीं पे नोट कर लीजिएगा, जरूरी है क्या कि परमाणु की उदासीनता का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगा, आप सभी ये याद रखना, सर्वप्रथम सर थॉमसन एटॉमिक मॉडल के थ्रू ही लगा, यह थॉमसन के द्वारा ही पता लगाया गया कि परमाणु जो है वो उदासीन है। लेकिन मेरे मित्र ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया इसीलिए कि तब तक रदरफोर्ड साहब आ गए और वैज्ञानिकों को यह समझ में नहीं आ रही थी कि अगर यह धनावेशित कण का गोला है तो फिर यह इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए क्यों है, या तो थॉमसन साहब इसको गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर परमाणु की संरचना कुछ और है। तो मेरे मित्र थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से एक बात का कंफर्मेशन ये हो गया कि परमाणु उदासीन होते हैं,
लेकिन जब रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा रे है वो सर रिटर्न आ जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि यहां पे कुछ ना कुछ है। और वही कुछ ना कुछ क्या था? परमाणु का नाभिक। तो थॉमसन के समय में परमाणु के नाभिक का था पता नहीं था, तो थॉमसन साहब ने यह बोल दिया कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान रूप से वितरित होगा, और साथ ही परमाणु क्या होगा, धनावेश समान रूप से वितरित माना जाएगा इसमें, और साथ ही मेरे मित्र धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण भी क्या होगा, समान होगा, और इसीलिए वो क्या होंगे तो सर उदासीन होंगे। और चौथा जो है कि परमाणु के अस्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह मेरे मित्र थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में सही नहीं है, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के अंदर होगा तो वो क्या होगा, आप कहेंगे सर वो उसके कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो आपसे ये सवाल करा जा रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आप कहेंगे सर यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, इसीलिए कि उस वक्त सर नाभिक के बारे में पता नहीं था, नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब ने करा, हमने आपको पीछे बताया। और फिर है कि परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया, तो आप कहेंगे सर उन्होंने तो ये अपने स्टेटमेंट में साफ साफ कहा कि परमाणु क्या है, धनावेशित कणों का गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा हुआ रहता है, और धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है, इसीलिए इन्होंने उदासीन माना। तो आप क्या कहेंगे कि गुरु जी सत्य है यह हमसे पूछा जा रहा है, तो स्टेटमेंट वन टू और थ्री तीनों सत्य है, और ये तीनों आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक दो और तीन क्या है थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में सही है। अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि परमाणु के लिए सबसे पहला मॉडल, तो आप सभी कहेंगे थॉमसन मॉडल। क्या कहेंगे? थॉमसन मॉडल। मेरे मित्र आप सभी ये याद रखिएगा कि जब परमाणु के नाभिक की खोज हुई तब जो वैज्ञानिक है उन्होंने यह पता लगाया कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, और परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। आइए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछा जा रहा है कि संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है अस्थियों में, रुधिर में, पेशियों में, उपास्थि में। मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि यहां पे संकुचनशील प्रोटीन की बात की जा रही है, और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आपके बॉडी में जो सर मसल्स हैं वो एक्चुअली क्या है, सर मस्कुलर फाइबर के बने हुए, यानी कि पेशी उत्तक से बने हुए हैं। और हमारे बॉडी की जो मांसपेशी है वो किससे बनी हुई है? आप सभी कहेंगे सर पेशी उत्तक से बनी हुई है, यानी कि पेशी उत्तक निर्मित करता है। पेशी उत्तक निर्मित करता है, क्या करता है? आप सभी कहेंगे सर मांसपेशी को निर्मित करता है। और मेरे मित्र मांसपेशी जो है वो क्या होते हैं? आप कहेंगे संकुचनशील होते हैं। क्या होते हैं? संकुचनशील होते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो पेशी उत्तक है इसमें क्या होते हैं सर? संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? संकुचनशील प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये संकुचनशील प्रोटीन क्या करता है? आपके मसल्स को सर संकुचित होने में, एक्सपेंड होने में मदद करता है। और बेसिकली हम लोग संकुचनशील प्रोटीन के रूप में एक्टिन या मायोसिन को जानते हैं। किसको जानते हैं सर? एक्टिन या मायोसिन को जानते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर फिर तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो हमारा मसल्स होता है, ये जो हमारा मसल्स होता है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, या पेशी उत्तक जो है ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान रखना कि पहला होता है आपका रेखित पेशी, दूसरा होता है आपका अरेखित पेशी, और तीसरा क्या होता है आपका? तो आप सभी याद रखेंगे हृदय पेशी। हृदय पेशी, हृदय पेशी क्या होता है सर? स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट में मिलता है। अब यहां पे अस्थि है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंकाली संयोजी उत्तक। याद रखेंगे कि हड्डी को क्या कहते हैं? चिला। हड्डी को कंकाली संयोजी उत्तक कहते हैं, कंकाली संयोजी उत्तक कहते हैं। और चिला अगर ब्लड की बात की जाएगी तो आप सभी याद रखेंगे इसको हम लोग तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। और उपास्थि यानी कि कार्टिलेज जो है, आप सभी याद रखेंगे कि सर उपास्थि को भी हम लोग कंकाली संयोजी उत्तक ही कहते हैं। तो कंकाली संयोजी उत्तक के रूप में सर अस्थि और उपास्थि आ जाते हैं, और तरल संयोजी उत्तक के रूप में आपका कौन आ जाता है? आप कहेंगे सर ब्लड यानी कि रुधिर आ जाता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अस्थि और अस्थि एक दूसरे के साथ लिगामेंट के सहारे जुड़ता है, जबकि अस्थि और मांसपेशी एक दूसरे के साथ टेंडन के सहारे जुड़ता है। कभी कभार आपके एग्जाम में यह सवाल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव कि किसी छिन्न ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी? आवृत्ति, आयाम,
वेग तरंग दैर्ध्य, क्या होगा इसका आंसर? आपसे यह कहा जा रहा है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी। मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान देंगे कि यहां पे जो प्रबलता है, ध्वनि की जो प्रबलता है और जो ध्वनि की तीव्रता है, ये दोनों के दोनों अलग अलग सेंस में यूज किए जाते हैं। पहला डिफरेंस तो आप ये समझ लो कि जब भी हम ध्वनि की तीव्रता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ध्वनि की तीव्रता की बात करते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे कि यह आपका एक भौतिक राशि है। क्या है? एक भौतिक राशि है जिसको मापा जा सकता है। क्या है सर? एक भौतिक राशि है जिसको मापा जा सकता है। और मेरे मित्र ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का एक लक्षण भी है, और आप सबों को मालूम है कि ध्वनि की तीव्रता यह बताती है कि कोई भी ध्वनि कितना मंद है और कितना तीव्र है। और आप सभी ये कहते हैं कि गुरुजी ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है सर? डेसिबल होता है। अब मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो तीन चीज पर डिपेंड करती है। पहला तो आवृत्ति पर डिपेंड करती है, दूसरा जो है वो आपका आयाम पर डिपेंड करती है, और तीसरा जो है वो किस पर डिपेंड करती है? सर घनत्व पर डिपेंड करती है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो ध्वनि की तीव्रता है जो आवृत्ति और आयाम पर डिपेंड करती है, तो ये आवृत्ति और आयाम के वर्ग के, आवृत्ति और आयाम के वर्ग के क्या होती है सर? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। और मेरे मित्र घनत्व के डायरेक्टली आप कह सकते हो प्रोपोर्शनल होता है, वर्ग के नहीं। तो इसीलिए मैंने यहां पे अलग अलग करके लिख दिया कि जो ध्वनि की तीव्रता है सर ये आवृत्ति आयाम और घनत्व तीनों पर डिपेंड करता है। आवृत्ति और आयाम के ये वर्ग के समानुपाती होता है और घनत्व के समानुपाती होता है। तो यहां पे जो सवाल पूछा गया है कि किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी है, तो कई सारे छात्र तीव्रता को यहां पे प्रबलता से जोड़ देते हैं। जबकि मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग ध्वनि की प्रबलता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं चला? ध्वनि की प्रबलता की बात करते हैं, ध्वनि की प्रबलता की बात करते हैं, तो ध्वनि की जो प्रबलता है वो कान की, सर कान की संवेदनशीलता का माप है। कान की संवेदनशीलता का माप है, कान की संवेदनशीलता का माप है। ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तीव्रता दो अलग अलग चीज है, ये एक चीज नहीं है। अब कोई भी ध्वनि प्रबल है इसका मतलब यह हुआ कि सर वो बहुत ज्यादा लाउड होगा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। आप कहेंगे सर व्हाट आर द बेस्ट एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल क्या हो सकता है? आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं सर, आपके बगल में मेज होगा, आप उसको हल्के हाथों से थपथपाइए, आपको मंद मंद ध्वनि मिलेगा। मेरे मित्र जब आप हल्के हाथ से थपथपा रहे हैं तो वहां पे जो मेज के कण है उसमें सर वाइब्रेशन भी हल्का हल्का हो रहा है, यानी कि उसके जो कणों का आयाम होगा वो कम होगा, इसलिए वो ध्वनि आपको कम सुनाई पड़ रही है, मंद मंद सुनाई पड़ रही है। अब आप क्या करो, उसको जोर जोर से मेज पर सर अपना हाथ या बुक पटकने लगो, आप कहोगे सर बगल से दौड़ के आएंगे मारो खा जाएंगे कि पढ़ रहा है कि पगलपनी कर रहा है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी आवाज ज्यादा होगा इसीलिए हमारे पढ़ने वाले रूम के बगल पढ़ने वाले रूम से बाहर वाले लोगों को भी पता चल जाएगा कि हम मेज धकधका रहे हैं। तो मेरे मित्र ये जो आवाज बढ़ा वो क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने सर मेज के कणों को बहुत ज्यादा ऊर्जा दिया, मतलब थपथपाने में ज्यादा ऊर्जा दिया, जिस वजह से उसके जो कण है सर उसकी जो एम्पीट्यूड है वो बढ़ गई, आयाम बढ़ गई, यानी कि उसका माध्य स्थिति से जो विस्थापन था वो बढ़ गया, इसीलिए वो ध्वनि आपको ज्यादा लाउड लगा, ज्यादा प्रबल लगा, और उसकी सर उसमें एनर्जी ज्यादा थी इसीलिए वो ध्वनि आपके रूम से बाहर चली गई। तो सीधा सा हमारे कहने का मतलब यह है कि जो सवाल करा जा रहा है कि किसी छिन्न ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी, तो आप सभी क्या कहेंगे? यहां पे ध्वनि की प्रबलता की बात की जा रही है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि गुरुजी आयाम अगर बढ़ेगा तो हम कहेंगे ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी, आयाम घटेगा तो ध्वनि की प्रबलता कम होगी। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बहुत सारे छात्र होंगे कि गुरुजी ये बात तो हम समझ गए कि आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता बढ़ जाएगा, आयाम घटेगा तो प्रबलता घट जाएगा, लेकिन ये आयाम क्या होता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, कंपन करती हुई कण का उसके माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। जैसे आप सबों को मालूम है कि अगर हम किसी अनुप्रस्थ तरंग के गमन की बात करते तो कुछ इस तरीके से जाता है, तो ये इसका क्या हो गया? माध्य स्थिति। अब इस माध्य स्थिति से जो ऊपर ये गया है ये इसका अधिकतम विस्थापन है। मेरे मित्र ये जो अधिकतम विस्थापन है इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे भी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, आप कहेंगे सर ए यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो याद रखिएगा एम्पलीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से रिप्रेजेंट किया जाता है।
आवृत्ति बोले तो सर फ्रीक्वेंसी, मतलब सर जो आपका तरंग है या जो कणों की गति है वो सर ए प्रति सेकंड कितना बार हो रही है उसी को यहां पे फ्रीक्वेंसी बोला जा रहा है। वेग तो आप सभी समझ रहे होंगे, तरंग दैर्ध्य आप सभी याद रखिएगा कि सर दो कर्मागत शीर्ष या गर्त के बीच की जो दूरी होगी वो आपका तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। और मेरे मित्र यहां पे आप देखो ये आपका शीर्ष बना ये गर्त, तो ये दो कर्मागत जो शीर्ष है इसकी बीच की दूरी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और यही क्या है तरंग दैर्ध्य है। और अनुदैर्ध्य तरंग के लिए संपीडन, दो कर्मागत संपीडन और विडलन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आप कहेंगे तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्वि विस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। बिल्कुल बात सही है, इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, लेड सल्फेट, लेड एसिटेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे सवाल यहां पे ये करा जा रहा है कि जलीय पोटेशियम आयोडाइड, जलीय पोटेशियम आयोडाइड और जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी लेड आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर सर लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो इन चारों में से क्या उपयोग करके हम लेड आयोडाइड बना सकते हैं, तो आप कहेंगे पहले यह बताओ कि सर अभिक्रिया कैसे होगी। तो जलीय पोटेशियम आयोडाइड है तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सिंपली के आई यहां पे एक्वस लिख देते हैं ताकि आप समझ पाओ कि यह जलीय है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो सर यह जो है लेड नाइट्रेट के साथ कर रहा है, तो PbNO3 होल टू के साथ कर रहा है अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, आप सभी याद रखेंगे PbI2 सर लेड आयोडाइड बनाएगा और साथ में आपका पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनेगा। मेरे मित्र ये जो लेड आयोडाइड बन रहा है यही क्या है आपका पीला अवक्षेप है, क्या है पीला अवक्षेप, और ये तब बन रहा है जब लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ हो रही है। अब कह रहे हैं कि लेड नाइट्रेट अगर उपलब्ध ना हो और हमें पीला अवक्षेप पोटेशियम लेड आयोडाइड का प्राप्त करना हो तो हम किससे अभिक्रिया कराएंगे, तो मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि सर जब लेड नाइट्रेट अवेलेबल ना हो तब हम लोग क्या करेंगे, लेड एसिटेट की अभिक्रिया कराएंगे, मतलब CH3COO2 की अभिक्रिया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और हमें क्या मिलेगा सर लेड आयोडाइड मिल जाएगा और साथ में मेरे मित्र क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपका KCS3COO बन जाएगा यानी कि पोटेशियम एसिटेट बन जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा इसी फॉर्मूला को आप CH3COOK के रूप में भी लिख सकते हैं, तो आपको जैसे सुविधा लगे जैसे याद रहता आप वैसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब क्या कहिएगा कि गुरुजी जो सवाल पूछा जा रहा है कि अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जाएगा, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी लेड एसिटेट, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है लेड एसिटेट, इसे क्या किया जाएगा सर लेड नाइट्रेट के जगह प्रयुक्त किया जाएगा, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा अगर हम लेड सल्फेट के फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या कहिएगा PbSO4, क्या कहिएगा PbSO4। मेरे मित्र अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मूला की बात करेंगे याद रखेंगे NH4NO3 कहेंगे, और अगर पोटेशियम सल्फेट की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर इसको हम लोग K2SO4 कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जल में विलयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता, क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र यहां पे बात आयनिक यौगिक की जा रही है और आप सबों को मालूम है कि आयनिक कंपाउंड आपका कब फॉर्म होगा, तो आप कहेंगे कि सर जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेंगे, जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या निर्मित होगा आयनिक यौगिक निर्मित होगा, और ये जो आयनिक यौगिक निर्मित होगा इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे, और क्या कहते हैं कि सर आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है उच्च होता है। ये सर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये जल में विलय होते हैं परंतु मेरे मित्र कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे सर कार्बनिक विलायक में अविलय होते हैं, कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं अविलय होते हैं,
और साथ ही सर ये अपने गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा कि गलित अवस्था में ये क्या करता है, आप सभी याद रखेंगे सर विद्युत का चालन करता है, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं करेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। एसिड, बेस या सॉल्ट सर ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेगा, या फिर कोई आयन है तो सर ठोस अवस्था में वो नहीं करेगा। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन तभी होगा जब फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, और आयन में मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं सर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो सर किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाह होने के लिए फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है, जबकि मेरे मित्र आयन के केस में आप कहेंगे आयन का निर्माण होना बहुत ही जरूरी है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जल में विलय, लेकिन कार्बनिक जो पदार्थ होंगे विलायक होंगे उसमें क्या होंगे, अविलय होगा। और साथ ही साथ मेरे मित्र ये जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है, जो आयनिक कंपाउंड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड की अपेक्षा क्या होता है सर, मजबूत भी होता है। तो भाई मेरे आपसे यहां पे वही सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो जल में विलयता किया जाता है सर, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता बिल्कुल नहीं, जब भी विद्युत चालकता की बात करेंगे तो गलित अवस्था की बात करेंगे। उच्च गलनांक और क्वथनांक सही है, गलित अवस्था में विद्युत चालकता सही है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है नहीं किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन है, संरचनात्मक समावयवी। मेरे मित्र आप सभी ये याद रखेंगे कि कहीं पे भी अगर हम समावयवी की बात कर रहे हैं तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर समावयवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समावयवी कहलाएगा। बात किसकी की जा रही है, चला ब्यूटेन की जा रही है, और आप सभी यह ध्यान में रखेंगे कि ब्यूटेन का अनुसूत्र C4H10 होता है और इसके दो समावयवी होते हैं सर, एक नॉर्मल ब्यूटेन दूसरा आइसो ब्यूटेन। और मेरे मित्र दोनों में अंतर क्या होता है, तो नॉर्मल ब्यूटेन में आपको कार्बन की सीधी श्रृंखला मिलती है, जबकि आइसो ब्यूटेन में सर ब्रांच मिलता है। कैसे, तो मेरे मित्र जो नॉर्मल ब्यूटेन होगा उसमें आप क्या पाएंगे कि सर चार कार्बन इस तरीके से हैं और सबके साथ ये हाइड्रोजन इस तरीके से लगा हुआ है। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं कि चार कार्बन और आपका 10 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। लेकिन मेरे मित्र आपका यही जो संरचना सूत्र है ये अलग भी हो सकता है, कैसे, तो सर तीन कार्बन इस तरह से गए, अब इसके साथ एक हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, आप कहेंगे सर यहां पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर हम लोग एड ऑन करते हैं तो आप कहेंगे सर ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक और कार्बन ऐड करना होगा, और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान देना कि यहां एक और कार्बन करेंगे तो इसकी वैलेंसी पुरानी होगी, और यहां पे आप इस तरीके से देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि तीन एक चार कार्बन हो गया, तीन ऊपर हाइड्रोजन, तीन और दो इधर, पांच और तीन आठ, दो दस। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर एक में जो हमारा कार्बन है वो क्या है सर, सीधी श्रृंखला में है, और दूसरा में क्या है, तो सर यहां कार्बन आने के बाद ब्रांच आ गया है। तो जो ब्रांच वाले आपका संरचना सूत्र ब्यूटेन का होता है उसको हम लोग आइसो ब्यूटेन कहते हैं, और जो सीधी श्रृंखला में होता है उसको हम लोग एन ब्यूटेन कहते हैं। मेरे मित्र देख लीजिए, आपके पहले ऑप्शन में सर चारों कार्बन ब्रांच में जुड़े हुए हैं और ये क्या होंगे सर, नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। जबकि मेरे मित्र आप यहां पे देख रहे हैं ये कार्बन इधर और ये कार्बन इधर और इसके साथ जुटा हुआ है, ये संरचना ही गलत है। और यहां पे आइए तो आप देखेंगे सर एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां, और एक कार्बन के साथ सर यहां पे सर एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है, तो हमने ब्रांच यहां बनाया सर, ये ब्रांच यहां पर बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक कार्बन जुटे हुए हैं, हाइड्रोजन तीन और सर दो पांच दो सात एक आठ दो दस, ये आपका आइसोब्यूटेन हो जाएगा चला, बिना चौथा ऑप्शन देख ले।
अब चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए कि सर इसमें दो दो कार्बन ब्रांच बनाए हुए हैं जो कि कहियो संभव नहीं है। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं। आप सभी कहेंगे एक और दो सही संरचनात्मक समावयवी हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। मेरे मित्र ये पीरियोडिक टेबल मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। और अगर आप गौर फरमाएंगे तो जो तत्व की बात की जा रही है ऑक्सीजन यहां है, नाइट्रोजन आपका यहां है और फ्लोरीन यहां है, तो सबसे सबसे राइट साइड में कौन है? तो आप कहेंगे फ्लोरीन, उसकी त्रिज्या सबसे कम होगी। अब मेरे मित्र सबसे लेफ्ट में कौन है? नाइट्रोजन। तो आप कहेंगे इस तीनों के अपेक्षा इसकी त्रिज्या सबसे अधिक होगी। और मेरे मित्र ये ऑक्सीजन आप कहिएगा गुरुजी बीच में रहेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है। तो बढ़ता हुआ कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे छोटा से। कहां जाएंगे? सबसे बड़ा पे। तो तीनों में सबसे ज्यादा सबसे छोटा त्रिज्या किसका होगा? आप कहेंगे फ्लोरीन का, उसके बाद आप कहिएगा ऑक्सीजन का, और सर सबसे बड़ा इस तीनों में आप कहिएगा नाइट्रोजन का। तो चिला जी ये वाला देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से उस घटना का आप अवलोकन कीजिए जो कि सर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान नहीं होता है। आप कहेंगे गुरु जी ये कैसे हम समझेंगे? भाई मेरे पहला चीज तो ये आप सबों को मालूम होना चाहिए कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का तो अवशोषण होता ही होता है और तभी जाकर के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और आपको मालूम है कि पौधे के पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल का काम ही है कि ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करे? सट्रैप करे, यानी कि अवशोषित करे। तो आप कहेंगे सर पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? आप कहेंगे सही है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। आप कहेंगे ये कैसे समझेंगे? तो चिल्ला आप सबों को मालूम है कि जब आपका 6CO2 12H2O के साथ अभिक्रिया करता है, 6CO2 12H2O के साथ अभिक्रिया करता है किसके मौजूदगी में? क्लोरोफिल और सनलाइट के मौजूदगी में। तो यहां पे हम पर्णहरित लिख रहे हैं, सीधे सर क्लोरोफिल लिख दे रहे हैं आप समझ जाइएगा, सनलाइट लिख दे रहे हैं आप समझ जाइएगा। अब ये जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सर C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, 6H2O और 6O2 बनाता है। अब आप सभी यह ध्यान में रखेंगे कि इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? सर ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। और मेरे मित्र ये जो H2O है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इस H2O का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। किस में? सर ऑक्सीजन में, यानी कि सर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में जल से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जल से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? सर ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यहां पे जल का क्या होता है? सर जी ऑक्सीडेशन होता है। जल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे आपके दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। आप कहेंगे बिल्कुल बात सही है सर, हमारा स्टेटमेंट बी भी सही है। तीसरा है कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन होता है, बिल्कुल गलत है। कार्बन का तो यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है, कार्बन तो यहां है ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है। जबकि कहा जा रहा है कि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयन होता है और है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का सर किस में रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है।
तो छिला जी, जो आपसे पूछा जा रहा है कि उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है, आप सभी कहेंगे कि गुरु जी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में जो उपचयन कहा जा रहा है यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा नहीं होती है, और इसीलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आज के इस आरआरबी एक्सपेक्टेड साइंस एमसीक्यू में हम टोटल 10 ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। इसके अगले सेशन से फिर हम लोगों की जो 20 क्वेश्चन चल रही थी वो 20 क्वेश्चन आपको लगातार मिलती रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि इस 10 क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस टाइप का सवाल या इसके आसपास का सवाल कोई भी दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।